दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और टॉपिक है कि कॉलेज ज़रूरी है या फिर स्किल। कई बार स्टूडेंट्स की एक क्वेरी होती है कि स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई है तो अब उन्हें किस ओर जाना चाहिए, आगे पढ़ाई जारी रखनी चाहिए या फिर कोई स्किल सीख लेनी चाहिए जिससे कहीं जॉब मिल सके। दरअसल होता यह है कि कई दफ़ा स्टूडेंट्स को कई डिग्रीज ले लेने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती क्योंकि इनके पास डिग्री तो होती हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास स्किल्स की कमी होती है। कई बार तो लोगों का सिलेक्शन इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता। इसके अलावा कई केस ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनमें कोई टीचर ऐसे हैं जो कि हिंदी विषय या फिर अन्य भारतीय भाषा को पढ़ाते हैं और अगर वे किसी विदेशी को हिंदी पढ़ाना चाहें तो वे ज़्यादा इंग्लिश ना आने की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाते। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां लोगों के पास IIT जैसी डिग्रियां हैं लेकिन स्किल्स की कमी होने की वजह से काम ठीक से नहीं कर पाते क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली नॉलेज होनी भी ज़रूरी है। तो अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि किसी भी नौकरी को करने के लिए स्किल्स आनी कितनी ज़रूरी है, लेकिन अब इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़कर किसी जॉब की तलाश में निकल जाएं। देखिए, सच तो ये है कि जितना ज़रूरी स्किल आना है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी एजुकेशन भी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई भी काम स्किल के बल पर ही होता है तो फिर क्यों ना सिर्फ इसी पर फोकस किया जाए, क्यों हायर एजुकेशन कंप्लीट करने में समय और पैसा बर्बाद करें। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना भी ज़रूरी होता है। यदि आप IIT, NIT, मेडिकल कॉलेज या फिर DU, JNU, BHU जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई करते हैं तो आपको इसके बहुत लाभ मिलते हैं। आपके साथ एक टैग लग जाता है कि आप IIT, DU जैसी जगहों से पढ़कर निकले हैं। इससे आपकी समाज में तो वैल्यू बढ़ती ही है, साथ ही आपको नौकरी में भी प्रेफरेंस मिल जाती है। वहीं UPSC, CSE, TET और NET जैसे बड़े एग्जाम्स को देने के लिए आपके पास डिग्रीज होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी स्किल को सीखने के लिए आपकी एजुकेशन का अहम रोल होता है। कॉलेज जाने से आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, वहाँ आपकी पर्सनैलिटी, बोलने का तरीका, इनफैक्ट आपके सोचने तक में चेंजेस आते हैं जो कि आपको आगे जीवन में बहुत काम आते हैं। अब अगर कॉलेज और स्किल में से किसी एक को चुनना पड़े तो आपको दोनों को ही चुनना चाहिए, लेकिन चूंकि कॉलेज का सिलेबस बहुत बड़ा होता है इस बीच आप उसी में उलझे रह जाते हैं, तो ऐसे में आपको कॉलेज को तो प्रायोरिटी में रखना ही चाहिए। लेकिन कॉलेज के समय में आपको ऐसे बहुत से मौके मिलते हैं जहाँ आप अपनी स्किल पर भी काम कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपको स्किल सीखने पर भी फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।